Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back. आज हम बात करने वाले हैं informal upright bonsai style के बारे में. ये bonsai की एक बहुत ही popular style है, जिसके अंदर twists होते हैं, turns होते हैं, bends होते हैं, curves होते हैं. दोस्तों, अगर आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe करें और bell icon को click करना ना भूलें, ताकि समय पे आपको हमारे videos की सूचना मिलती रहे. दोस्तों, इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल के अंदर जो प्लांट का ट्रंक होता है, उसके अंदर कर्व्स होते हैं और बैंड्स होते हैं. इसका जो नॉर्मली एंगल होता है, वो फॉर्मल अपराइट की तरह स्ट्रेट नहीं होता है और थोड़ा टिल्ट होता है, लगभग 15 डिग्री में लेफ्ट या राइट टिल्ट करता है. और जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है, जो ट्रिक है, वह यह है कि इसकी जो ब्रांचेज होती है, वो कर्व के अंदर नहीं होती, कर्व के बाहर की तरफ ब्रांच होती है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कर्व है, इसके बाहर की तरफ ब्रांच है, ये कर्व है, इसके बाहर की तरफ ब्रांच है. तो जो भी बैंड है, आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रांच का जो स्ट्रक्चर है, कर्व के अंदर नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो वह गलत है. हमें जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, वह यहाँ नहीं लेना है और बाहर की तरफ लेना है. ऐसा हम किसी दूसरी बोनसाई में भी अगर करते हैं, तो वह गलत कहलाता है. इससे पहले वीडियो में हमने आपको फॉर्मल अपराइट स्टाइल के बारे में बताया था. फॉर्मल अपराइट स्टाइल के अंदर जो ट्रंक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेफ्ट राइट बैक, लेफ्ट राइट बैक. इस स्टाइल के अंदर थोड़ा सा टिल्ट है, इसमें भी लेफ्ट राइट बैक, लेफ्ट राइट बैक, फ्रंट और यहाँ पे एपेक्स बनता है. दोस्तों, ये जो स्टाइल है, ये एक नेचुरल स्टाइल है और आसपास जब उसे कंपटीशन मिलता है दूसरे प्लांट से, तो इस तरह की स्टाइल डेवलप होती है. इस तरह की स्टाइल के अंदर जो बैंड्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत लगती है और जो बिगिनर्स हैं, वो ऐसी स्टाइल के ऊपर आराम से काम कर सकते हैं. दोस्तों, ये जो प्लांट है, ये शमी का प्लांट है और लगभग 2 साल से अंडर ट्रेनिंग है. मैं इसे एक इनफॉर्मल अपराइट बॉन्साई के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. ये एक सेक्रेट प्लांट है, इसकी पूजा होती है, दशहरे पे इसकी पूजा की जाती है और राजस्थान के अंदर ये हर कहीं पे पाया जाता है और राजस्थान के जो कल्चर है, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसे लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है. फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्लांट है, इसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी प्रूनिंग करेंगे और इसकी वायरिंग को हटाएँगे. इसकी वायरिंग हटानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ये वायर बाइट होने लगा है. हम आपको ये भी बताएँगे कि वायर बाइट होता क्या है. फ्रेंड्स, इस प्लांट के 2 फ्रंट हैं, एक फ्रंट ये बनता है और दूसरा फ्रंट ये बनता है. तो इसकी कुछ प्रूनिंग करते हैं. फ्रेंड्स, ये हमारा एपेक्स है और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वायर बाइट का निशान है. हमने अभी अभी यहाँ से वायर रिमूव किया है. ये वायर हटाने के बाद में यहाँ पे वायर बाइट का निशान है. ऐसा इसलिए होता है, अगर हम काफ़ी लंबे समय तक हमारे प्लांट्स के ऊपर वायर्स को लगा रहने देंगे, तो इस तरह से वायर बाइट का खतरा रहता है. तो आइए फ्रेंड्स, शमी के प्रोपेगेशन के बारे में भी बात करते हैं. शमी का जो प्लांट है, इसका प्रोपेगेशन कटिंग के द्वारा होता है और सीड से भी होता है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो गमला है, इसके अंदर से कुछ नए नए प्लांट्स आ रहे हैं. कुछ समय पहले इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, इसका फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत होता है. तो उसके सीड्स अंदर गिर गए हैं और बंचेस में यहाँ पर भी नए नए प्लांट्स फूट रहे हैं और लगभग पूरे गमले में काफ़ी प्रोपेगेशन हो रहा है. ये जो प्रोपेगेशन है, ये सीड्स के द्वारा हुआ है. अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बरसात में तो इसकी कटिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन बॉन्साई एंड गार्डनिंग. टिल देन, गुड बाय.